हे गाइस वेलकम टू कैसे आप लोग सब आज दोस्तों हमें बहुत सारे सवाल आज आ जाते हैं कि यार मैं गाड़ी जब लेने जाऊं तो आखिर मैं क्या खरीदूं पेट्रोल है डीजल है इलेक्ट्रिक है सीएनजी है हाइब्रिड है आई आई मीन डोंट नो इतने सारे ऑप्शंस हमारे पास मार्केट में है. तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक कार्स पे स्पेसिफिकली और एज अ कार एक्सपर्ट में आपके सारे डाउट जो है उनको पूरी तरह क्लैरिफाई करने की आज कोशिश करने वाला हूं सो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इलेक्ट्रिक कार की बैटरी दैट्स इट और कुछ नहीं हम और कुछ बात नहीं करने वाले यहां पे क्योंकि इलेक्ट्रिक कार बैटरी पे हमारे मैक्सिमम डाउट्स आते हैं राइट सो so, ये वीडियो सिर्फ इसी को डेडिकेटेड है जहां पे हम आपके जो डाउट्स है उनको पूरी तरह क्लैरिफाई करने की कोशिश करें और आपको ये बताया कि आपके लिए इलेक्ट्रिक कार लेनी चाहिए या नहीं अब मैं यहां पर नहीं बोल रहा हूं कि पेट्रोल कैसी है डीजल कैसी है हाइब्रिड कैसी है ये वीडियो में मैं जो इलेक्ट्रिक कार पर जनरली डाउट्स है स्पेसिफिकली बैटरी पे उसी के लिए ये वीडियो आपको बन के लिए दिन, बना रहा हूं तो मैं बहुत ही सिंपल भाषा में आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला जिससे आप कार पूरी तरह क्लैरिटी मिल जाएगी और साथ ही में अगर आपको जानना चाहते हो कि इलेक्ट्रिक कार आपको 2023 में लेनी चाहिए नहीं मैंने एक वीडियो आपके लिए ऑलरेडी डिटेल्ड बनाया हुआ उसकी लिंक मैं आई बटन में छोड़ रहा हूं डू गो एंड चेक इट आउट बिना समय बर्बाद किए लेट्स गो इन द वीडियो तो अब ये वीडियो में हम बात करने वाले इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में स्पेसिफिकली कि ओवरऑल कैसी है क्या है एंड ये एग्जैक्ट वीडियो डेडिकेटेड है जस्ट टू इलेक्ट्रिक कार बैटरीज आई नो आप में से काफी लोग बहुत सवाल पूछ रहे हो हमने लास्ट टाइम जो वीडियो आपके लिए बनाया था जहाँ पे हमने बोला था कि आपको इलेक्ट्रिक कार 2023 में लेनी चाहिए नहीं उसका सॉर्ट ऑफ एक फॉलोअप वीडियो क्योंकि बैटरीज पे हमने देखा बहुत लोगों के सवाल आ रहे थे एंड कहीं ना कहीं काफी हद तक सवाल सही नहीं थे दे आर मोर लाइक मिथ्स बट ये वीडियो में हम आपको कंप्लीटली एजुकेट करेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक कार बैटरीज एंड हमने एक पूरी सीरीज बना दी है जहाँ पे हम बोल रहे जिसको गो इलेक्ट्रिक जिसमें हम आपके इलेक्ट्रिक कार पे सारे डाउट्स क्लैरिफाई करेंगे ओनर से बातें करेंगे विल एंड कवर डिटेल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे सो so ये वीडियो डेडिकेटेड है जस्ट टू इलेक्ट्रिक कार बैटरीज अब दो प्रकार के इलेक्ट्रिक कार बैटरीज हैं पहला आता है एल और दूसरा आता है एन अब एल का फुल फॉर्म क्या है लीथियम आयन फॉस्पेट और वहीं पे एन का फुल फॉर्म क्या है एनएमसी स्टैंड फॉर लिथियम निकिल मैंगनीस कोबाल्ट ऑक्साइड एक बार फिर से कह रहा हूं ध्यान से सुनो इसका नाम है एल एफ पी इज स्टैंडिंग फॉर लिथियम आयन फॉस्फेट और एन का फुल फॉर्म है लिथियम निकल मैंगनीज कोबाल्ट ऑक्साइड अब ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं आपको सिर्फ शॉर्ट फॉर्म याद रखने की जरूरत है अब एल अगर आप देखते हो तो कौन कौन से ऑटोमेकर इसे इस्तेमाल करते हैं टाटा मोटर्स यूज करता है फोक्स पूरा ग्रुप इसे इस्तेमाल करता है साथ ही में बीवाई भी इसे इस्तेमाल करता है सो so, काफी सारे ऑटोमेकर एल एफ पी टेक्नोलॉजी बैटरी का इस्तेमाल करते हैं एंड वहीं पे एन एम सी अगर आप देखते हो तो ये इस्तेमाल किया जाता है बाई मर्सिडीज बैंड बी एम डब्ल्यू इवन फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट वोलवो तो काफ़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ब्रांड इसे यूज करते, है, करते हैं ह्यूडई किया ये सारे ब्रांड्स एन एम सी का इस्तेमाल करते हैं बट कुछ कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो दोनों इस्तेमाल करते हैं या कभी कुछ इस्तेमाल करते हैं कभी कुछ इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे सामने जो गाड़ी खड़ी है एम जी की जेड एस ईवी ये ट्वेंटी ट्वेंटी में इंडिया में लॉन्च हुई थी बट वो लॉन्च हुई थी एनएमसी बैटरी के साथ अब ये आती है एल बैटरी के साथ वहीं पे अगर आप टेस्ला को देखते हो या इवन महिंद्रा को देखते हो ये लोग दोनों टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे टेस्ला अपनी मेजरली हाई एंड कार्स में यूज करता है एन और जो उनकी स्टैंडर्ड रेंज वाली गाड़ियाँ हैं उसमें एल यूज़ करता है वहीं पर महिंद्रा की एक्स यू वी अगर आप देखते हो तो इसमें आपको एन बैटरीज आते हैं पर क्योंकि अब उनकी जो नेक्स्ट गाड़ियाँ आ रही है इलेक्ट्रिक वाली उसमें उन्होंने वी डब्ल्यू ग्रुप से टाइप किया वी डब्ल्यू ग्रुप तो एल एफ पी यूज़ करता है सो इन दैट केस उनको एल एफ पी बैटरीज वहाँ मिलने वाली है तो ऐसे नहीं कि ये बैटरी सही है या ये गलत है सारे ब्रांड्स अपने हिसाब से बैटरी पैक्स यूज़ करते हैं और उसे अपने लिए यू नो एफिशेंट बनाते हैं ताकि जो लोग उस गाड़ी को चलाए उनके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो अकॉर्डिंग टू दियर पोटेंशियल अब सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेजेस क्या है ऑफ़ एन ठीक है लेट्स मेक इट वेरी इजी एंड सिंपल सबसे पहला इसका पॉइंट ये है कि आपको एन एम सी में ज्यादा पावर होल्डिंग कैपेसिटी है आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं क्या कह रहा हूं मैं अब मान लो आप एक नॉर्मल पेंसिल सेल खरीदते और दूसरा आप ड्यूरोसेल का पेंसिल सेल खरीदते तो ड्यूरोसेल क्या कहते हैं लास्ट लॉन्ग रियली लॉन्ग सो so, उनका फंडामेंटल ये है कि हमारा जो बैटरी है वो महंगा है क्योंकि उसमें चार्ज ज्यादा होल्ड करने की कैपेसिटी है उसकी सो इन शॉर्ट अगर आपकी ड्यूरासेल की लाइफ ज्यादा चल रही है दैट इज विस उसका जो बैटरी चार्ज है वो ज्यादा है सो so, वैसे ही एनएमसी ज्यादा चार्ज होल्ड कर सकता है कंपेयर टू एन एल तो मान लो अगर आपका दस किलो की बैटरी पैक है देन इन दैट केस एन की बैटरी साइज छोटी रहेगी कंपेयर टू एल एफ पी विच मीन्स के आपको ज्यादा जगह नहीं देनी

टेक्नोलॉजीज़ यूज करे कोई ब्लेड कुछ कोई कुछ, कुछ, कुछ और जिससे वो एल एफ पी बैटरीज को भी ज्यादा कॉम्पैक्ट बना दिया जाए सो so, ओवरऑल काफी काम यहाँ पे हो चुका है एट द सेम टाइम सेकेंड एडवांटेज एन एम सी का ये आता है कि उसका पावर डिस्चार्ज बहुत तेज है तो अगर आपको हाई परफॉर्मेंस गाड़ी चाहिए वहां पर आपको एन एम सी जनरली ज्यादा प्रिफर्ड रहता है इसी वजह से आप देखोगे कि बहुत सारी गाड़ियों में आपको एन बैटरी पैक्स आते हैं जो ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रहती है एंड तीसरा एडवांटेज एन का ये भी आ जाता है कि वो लो टेम्परेचर्स पे बहुत बेहतरीन काम करती है कंपेयर टू एन एल अब अगर हम एडवांटेजेस बात करें एल बैटरी की तो सबसे नंबर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है उसके चार्ज साइकिल्स अब ये चार्ज साइकिल क्या होता है अब मान लीजिए आपकी गाड़ी है आप गाड़ी चला रहे हो हंड्रेड परसेंट पे बैटरी आपकी गाड़ी पांच दस परसेंट पे आ गई आपने उसको वापस पूरी तरह चार्ज किया हंड्रेड परसेंट पे दिस इज कॉल्ड वन चार्ज साइकिल ठीक है अब इस केस में आपको एल में लगभग ढाई से तीन हजार चार्ज साइकिल्स मिलते वेराज एल एम में आपको ऑन एन एवरेज पंद्रह चार्ज साइकिल्स मिलते तो यहाँ पे आपकी बैटरी की लाइफ ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि आपके पास ज़्यादा यू नो यू गेट मोर चार्ज साइकिल्स सेकंड पॉइंट ये आता है कि एल की जो केमिकल स्टेबिलिटी है वो एन से ज़्यादा बेटर है यानी कि उसका जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल रहता है कंपेयर टू एन एन तो अभी हम बात करेंगे ऑफ द नेगेटिव जो लोगों को लगता है क्या ये वाकई में नेगेटिव पॉइंट्स है या ये गलत फहमियाँ इनको हम आज पूरी तरह क्लैरिफाई करने वाले तो so, सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट ये लोगों को लगता है कि यार इलेक्ट्रिक कार की बैटरी ना मतलब सही नहीं अभी तो बहुत पुरानी हो गई है अब वो वाली टेक्नोलॉजी आएगी अब वो वाली टेक्नोलॉजी आएगी वो बेटर रहेगी या वो वाली बेटर रहेगी देखिए भाई ये बहुत सारी कहने की बात है अगर कोई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है जब तक वो प्रोडक्शन में आए उसको तीन से पाँच साल छः साल मिनिमम जाता है फॉर दैट एंटायर प्रोसेस टू हैपन क्योंकि पूरा एक सप्लाई चेन बनाना पड़ता है राइट ये मटीरियल यहाँ से आएगा यहाँ मैनुफैक्चर होगा ऐसा होगा ये होगा फिर इसके बाद गाड़ी टेस्ट होगी फिर गाड़ी लॉन्च होगी तो पाँच से छः साल तो मिनिमम उस में चले ही जाते पर आज जो दो टेक्नोलॉजीज़ है एन एमसी एन एल एस पी दोनों बहुत जबरदस्त है काफी लोग मेरे को ये कह रहे थे कि एनएमसी की टेक्नोलॉजी काफी पुरानी हो गई है आउटडेटेड है दैट्स नॉट ट्रू यार। अगर आप एन देखते हो आज अगर दुनिया में सौ गाड़ियाँ बिकती है इलेक्ट्रिक कार्स की उसमें से एटलीस्ट साठ परसेंट जो गाड़ियाँ हैं वो एन ही हैं और ऐसे नहीं कि जो एन एम सी है वो एल पे जा रहे हैं या बंद कर रहे हैं एन का यूजेज ऐसा नहीं है जो एन के यूज़र्स हैं वो एन ही यूज़ करते जा रहे हैं और एन पे ही और नई गाड़ियाँ बनती जा रही है कोई कोई ऑटोमेकर जो एल यूज कर रहे हैं वो एल ही यूज कर रहे हैं सो so, ऐसे नहीं कि ये सही है वो गलत है क्योंकि क्योंकि -को -को कोई कोई गाड़ियों में तो आपको दोनों टेक्नोलॉजीज की ऑप्शन को कोई कोई ऑटो ब्रांड्स में अब जैसे टेस्ला आपने लोअर एंड पे एल दे रहा है हायर एंड पे एनएमसी ही दे रहा है सो दथिंग रॉन्ग मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये सही है या वो गलत है मैं बोल रहा हूँ दोनों टेक्नोलॉजी अपनी जगह पर सही है तो जिन लोगों का ये ओपिनियन है कि यार एल बेटर है या एनएमसी बेटर है दोनों के अपने अपने कॉन्स हैं एंड दोनों सूटेबल है फॉर इंडियन कंडीशन ऑल्सो

ये इलेक्ट्रिक कार्स में क्या होता है कहीं कंबशन होता है कहीं पेट्रोल डालते हो बिल्कुल नहीं यार बैटरी पैक है जो मोटर है उसके साथ चलती है एट द मोस्ट जब आप गाड़ी को फास्ट चार्ज करते हो तब उसके सेल्स हीट अप होते हैं मेजरली एंड दैट इज़ वेयर द बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम कम्स इन पिक्चर क्योंकि वहाँ पे आपके पास कूलेंट भी रहता है इसमें टू कूल डाउन द बैटरी पैक वैसे जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग थर्मल रन वे कहते हैं फॉर uh, कैचिंग फायर ऑफ़ इलेक्ट्रिक कार्स तो अगर आप एन एम सी का देखते हैं वो दो सौ दस डिग्री सेल्सियस है एंड जो एल एफ पी है वो दो सौ सत्तर है बट ये टेम्परेचर अटेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपकी गाड़ी की कूलिंग uh, जो है वो उसे जनरली अवॉइड करती है। अब मैं आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक शेयर करना चाहता हूँ यू एस में एक ऑटो इंश्योरेंस साइट है कॉल्ड ऑटो इंश्योरेंस ई जी उन्होंने एक स्टेटिस्टिक्स uh, निकाला ऑफ दीज टू बोर्ड्स जो यूएस में सारे एक्सीडेंट्स मेजर होते हैं कि ये एक्सीडेंट हुआ यहाँ ये गाड़ी में आग लगी उससे उन्होंने ये चीज कंक्लूड कर पाया कि हर एक लाख इलेक्ट्रिक कार्स जो बिकती है उसमें से केवल 25 गाड़ियां आग पकड़ती है वहीं पे जब एक लाख पेट्रोल आइस कार्स बिकती है तब उनका नंबर ये होता है जी हाँ ऑलमोस्ट पंद्रह फॉर एवरी वन लाख कार्स एट द सेम टाइम हर एक लाख हाइब्रिड गाड़ियां जो बिकती है उसमें से लगभग साढ़े तीन हजार गाड़िया आग पकड़ती है सो so, टेक्निकली यहाँ पे हाइब्रिड गाड़ियों को ज्यादा आग पकड़ती है एंड सबसे मिनिमम जो है इलेक्ट्रिक कार्स में आग लगती है अब देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या होता है काफी टाइम हम न्यूज में सुनते हैं कि ये इलेक्ट्रिक कार में आग लग गई ये इलेक्ट्रिक कार में आग लग गई ये इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में आग लग गई अब यहाँ पे मैं बहुत सिंपल हाईलाइट आपको बताना चाहता हूँ आप एक बार सर्च करो पेट्रोल गाड़ियों में कितनी आग लगती है पेट्रोल मोटरसाइकिल्स में कितनी आग लगती है यू विल बी शॉक कि ऑलमोस्ट हर रोज एक पेट्रोल कार या मोटरसाइकिल में आग लगती है बट उस पर इतना इंपॉर्टेंस कवरेज दिया नहीं जाता है वेरस क्योंकि इलेक्ट्रिक कार इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी नहीं है इस पर बहुत ज़्यादा लाइम डाल दिया गया कि हाँ ये आग पकड़ी ये देखो ये ऐसा हुआ इसमें सो so ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हाईलाइट करना चाहता हूँ कि यार देखो पेट्रोल गाड़ियों में आपका कंबर्शन होता है अब मैं नहीं कह रहा हूं कि पेट्रोल टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है मत खरीदो बट ऑल एम ट्राइंग टू से आपके साथ सिर्फ सच्चाई यहां शेयर करने आया हूं इस वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट जो मेरे हिसाब से थोड़ा फनी है इज द फैक्ट कि तीन से पांच साल बाद ना आपको अपनी गाड़ी डिस्पोज करनी पड़ेगी क्योंकि उसकी बैटरी खराब हो जाती आई मीन कहाँ से आए हो ये कंक्लूजन पे मुझे भी बताओ क्या आपने गाड़ी चलाई आपके साथ ऐसा हुआ आपने ये इंसिडेंट हुआ आपके साथ जो बता रहे हो या आप मोबाइल फोन को कंसिडर कर रहे हो या लैपटॉप को कंसिडर करके बता रहे हो प्लीज टेल मी ऑनेस्टली क्योंकि ये फैक्ट सही बिल्कुल नहीं है अब देखिए यहाँ पे मैं आपके साथ एक सिंपल एनालिसिस देता हूँ ठीक है एल पे तीन हज़ार चार्ज साइकिल्स आते हैं एन में पंद्रह सौ चार्ज साइकिल्स आते हैं ठीक है पंद्रह आते हैं अब हम ये तीनों गाड़ियों को देखते हैं लेकिन इसको मोस्ट स्पेसिफिकली देखते हैं क्योंकि इसको 300 किलोमीटर क्ले, क्ले, का रियल लाइफ रेंज है ठीक है अब अगर ये 1500 चार्ज साइकिल चलती है 1500 सौ इन तीन अगर आप देखते साढ़े चार लाख किलोमीटर होते हैं जिससे पहले योर बैटरी गोज वेस्ट मतलब टेक्निकली तो उसके बाद एक्चुअल डिग्रेडेशन चालू होता है लेकिन मैं आपके पॉइंट से बात कर रहा हूं साढ़े चार लाख किलोमीटर के बाद आपकी गाड़ी की बैटरी आप मान लीजिए नहीं चलेगी आप में से लोग मुझे जो भी वीडियो देख रहे हैं मुझे बताइए कितने लोगों ने कोई भी गाड़ी चाहे पेट्रोल हो डीजल हो सी हो साढ़े चार लाख किलोमीटर चलाई है दस में से शायद एक होगा या सौ में से एक होगा सो साढ़े चार लाख किलोमीटर हम गाड़ी वैसे भी नहीं चलाते अब अगर आप बोलोगे नहीं 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 मैं ज्यादा चलाता नहीं हूँ लेकिन फिर भी कुछ सालों में, में मेरी बैटरी खराब हो जाएगी सो नाउ लेट्स आंसर दैट पॉइंट अब मान लीजिए यही गाड़ी का मैं एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पर आप दिन में सौ किलोमीटर चलाते हो पचास नहीं आप सौ चलाओ गाड़ी, गाड़ी बिंदास, मतलब राइट पूरे साल में आपको पंद्रह सो डिवाइड बाई एक सौ बीस करूं यानी कि आपकी बैटरी लाइफ कम से कम बारह साल के ऊपर जाएगी अब आप बताओ आपने कितने सालों से गाड़ी रखी है अब लेट्स ब्रेक इट इवन फॉर्दर आप मुझे बताओ आप सौ नहीं पचास चलाते हो आप कह रहे हो ना तो आप हर छे दिन में गाड़ी चार्ज करोगे यानी कि आपकी बैटरी लाइफ बारह की जगह चौबीस साल हो जाएगी अब हम एन एम बैटरीज के बारे में बात करते हैं टेस्ला में भी आपको एन एम बैटरीज आती है अब टेस्ला के एक मॉडल एस ओनर ने अपनी गाड़ी को ऑलरेडी 16 लाख किलोमीटर चला लिया जिसमें से उसकी ओरिजिनल सेट ऑफ बैटरीज जो है 12 लाख किलोमीटर तक चली है आपकी कोई भी गाड़ी 12 लाख किलोमीटर तक चली है चाहे इंजन की बात कर लू पेट्रोल डीजल आपने सोचा है कि आप गाड़ी 12 लाख किलोमीटर चलाओगे और ये 12 लाख किलोमीटर तक आपकी टेस्ला की ओरिजिनल बैटरीज चली है दिस टॉक्स लॉट अबाउट द ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ के आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत ही नहीं है अब काफी लोग ये भी पूछते हैं कि इंश्योरेंस जो है नहीं मिलता है हमको अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा ऐसे कुछ कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए थे हमें जब हमने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था तो उसके लिए हमने रिसर्च की हमने इंश्योरेंस कंपनी से भी स्ट्रेट अप बात किया काफी से सबसे नहीं कर पाना पॉसिबल है लेकिन हमने मेजॉरिटी काफी इंश्योरेंस कंपनी से बातें की है यहाँ पे उन्होंने हमें एक चीज सिंपल कहा कि रक्षित देखो अगर हम इलेक्ट्रिक कार इंश्योर कर रहे हैं तो उसमें बैटरी पैक और मोटर कैसे नहीं इंश्योर होगा राइट बट इट डिपेंड्स ऑन कंडीशन टू कंडीशन मतलब हर चीज पे तो आपको इंश्योरेंस नहीं मिलता है तो वैसे हमारे भी हर चीज पे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं एंड कोई कोई लोग आपको बैटरी पैक पे कुछ एक्स्ट्रा पैक्स देते हैं मतलब यू नो ये लियो तो आपको इंश्योरेंस एक्स्ट्रा मिलेगा ये वगैरह सो so, सबके अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं एक इंश्योरेंस एक्सपर्ट नहीं आई एम अ कार एक्सपर्ट और मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूं कि इंश्योरेंस कंपनीज जो आपको इलेक्ट्रिक कार पे इंश्योरेंस देती है वो आपको बैटरी पैक पे देती है इंश्योरेंस रिप्लेसमेंट uh, हो एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें जो एक्सीडेंटल केसेज है लेकिन हर एक का अपना अपना टर्म कंडीशन रहता है जो मैं एग्जैक्टली exactly आपको नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा बिकॉज इट्स समथिंग जो आपको खुद को पढ़ के लेना पड़ेगा वेन यूर बाइंग इंश्योरेंस फॉर एन इलेक्ट्रिक का आखिरी डाउट या क्वेश्चन जनरली रहता है कि अगर मेरी गाड़ी की वारंटी खत्म हो गई आठ साल बाद तब मैं क्या करूँ सी आल बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रेंक कोई भी गाड़ी आप यहाँ देख लो इंडिया में मेजरली जो भी इलेक्ट्रिक कार्स आती है आपको आठ साल की वारंटी देती है एक लाख साठ हज़ार किलोमीटर का उस पर वारंटी रहता है आपको कोई भी पेट्रोल या डीजल गाड़ी आठ साल की वारंटी देती है तीन साल मिलता है जनरली अब कोई कोई गाड़ियाँ पाँच साल देने लग गई हैं आपको राइट right? बट वो आपको आठ साल की तो नहीं देते तो आपने तो कभी नहीं पूछा कि यार तीन साल बाद मेरी पेट्रोल गाड़ी को क्या होगा वो इसलिए क्योंकि पेट्रोल डीजल गाड़ियों की हिस्ट्री रह चुकी है और हमें उसके बारे में पता है अब इलेक्ट्रिक कार की इंडिया में हिस्ट्री नहीं रही तो आप कैसे बोलोगे कि यार नहीं चलेगी प्रॉब्लम हो जाएगा द क्वेश्चन इज राइट

वो गाड़ियों का बैटरी जो है बारह परसेंट डीग्रेड हुआ है तो अगर मैं ये एग्जाम्पल ले लू ऑफ एक्स यू वी फोर डब्लो अगर ये गाड़ी का तीन सौ किलोमीटर का रेंज है आज के तारीख में रियल लाइफ में अगर आप इसको तीन लाख बीस हजार किलोमीटर चला दोगे उसके बाद इसका रेंज लगभग बारह परसेंट गिर जाएगा यानी कि टू सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव किलोमीटर का ये रियल लाइफ में आपको रेंज देगी आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है वो एक से डेढ़ रुपया पर किलोमीटर कॉस्ट देती है आपको अगर आप उसे घर पे चार्ज करते वेराज अगर आप एक पेट्रोल या डीजल गाड़ी देखते वो आपको स्पेसिफिकली पेट्रोल तो 10 से 12 रुपया पर किलोमीटर आपको कॉस्ट पड़ता है यानी कि मोटा मोटा बोलो तो दस रुपया पर किलोमीटर आप सेव कर सकते हो इन एन इलेक्ट्रिक का ठीक है अब यहाँ के एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अब अगर आप एक इलेक्ट्रिक कार को तीन लाख किलोमीटर चलाते हो आप सुनो मेरी बात को यानी कि तीन लाख इंटू दस करोगे तो तीस लाख रुपए आपके ऑलरेडी बच जाएंगे सिर्फ फ्यूल में आपने सुना तीस लाख रुपए आपके बच रहे हैं फॉर अ कार विच डजन यून कॉस्ट 30 लाख रुपीस। सो इन शॉर्ट आपकी बचत जो है है पे काफ़ी ज़्यादा होने वाली कंपेयर टू अ पेट्रोल कार और डीजल कार और डीजल एंड बैटरी लाइफ के बारे में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया आपको कि बैटरी लाइफ कैसे होती है एक इलेक्ट्रिक कार की सो so मैं उम्मीद करता हूं मैंने आपके जो डाउट्स है ऑफ इलेक्ट्रिक कार बैटरी वो आज मैं पूरी तरह क्लैरिफाई कर पाया हूँ और साथ ही में मैंने आपके लिए और भी बहुत सारे वीडियोज पहले भी बनाए आप जाके मेरा वो वीडियो भी देख लो जिसमें मैंने बोला है वो मैंने यहाँ पे कर कि आप समझ रहे हो फैक्ट्स फैक्ट्स एंड फिगर्स सो ये था मेरा आज का वीडियो गाइस उम्मीद करता हूं मैंने आपके सारे डाउट आज क्लैरिफाई कर पाया हूँ स्पेसिफिकली ऑन इलेक्ट्रिक कार बैटरी अगर आपको लग रहा है नहीं मेरे पास और भी डाउट है पुटेड एन कॉमेंट हम कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने की या वीडियो बनाने की इवेंचुअली एज वी गो एहेड विथ टाइम अब एक चीज और कहना चाहता हूँ आई नो मार्केट में बहुत ऑप्शन है आपके पास पेट्रोल है इलेक्ट्रिक है डीजल है हाइब्रिड है एंड कंफ्यूजन तो होगा मतलब बॉडी स्टाइल तो डिसाइड कर लिया आप बोलते हो यार फ्यूल कौन सा ली तो इन दैट केस आप मुझसे या मीटिंग ऑफ एक्सपर्ट से एक फोन कॉल पर जुड़ के आपके सारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हो अब आप पूछोगे कैसे करना है आपको सिर्फ जाना है मोटरॉकटेन डॉट कॉम स्टेशन कंसल्टेंसी वहाँ पर जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप करना एंड कॉल टाइम बुक करना है विद एन एक्सपर्ट बहुत आसान है और उससे आसान पता है क्या है सब्सक्राइब बटन देख रहा है उसको जाके प्रेस कर लीजिए क्योंकि हम आपके लिए इतना कंटेंट लाते हैं रोजाना जिससे आप एज कार बायर को पूरी तरह क्लैरिटी मिल सके कि आखिर में आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है और किस वजह से सो so, ये वीडियो मैं यही एंड करना चाहता हूँ बहुत मेहनत की हमने इस पर मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ टेक केयर यू मोरो बाय